जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। गोली अलंबी बत्ती, देवताओं के आगे कौन सा दीपक जलाना है सही? हिंदू धर्म में देवी देवताओं के आगे दीपक जलाने का विशेष महत्व हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। दीपक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तजनों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि पूजा के दौरान जलाने वाला जो दीपक होता है उसकी बाती कैसी हो। गोल बाती जलाना पूजा के लिए शुभ है या फिर लंबी बाती जलाना देवताओं के आगे क्या सही है? संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में देवी और देवताओं के आगे पूजा के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। इसके लिए कई लोग गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग लंबी बाती का प्रयोग पूजा के दौरान दीपक जलाने में करते हैं। इन दोनों का प्रयोग करने से जुड़े कुछ नियम हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गए हैं। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि क्या है वो नियम। भक्तों, फर्स्ट नंबर पर गोल बाती, इसे कुछ लोग फूल वाली बाती भी कहते हैं। फूल वाली बाती भी इसको कहा जाता है। मान्यता है कि गोल बाती के दिए भगवान ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, भगवान शिव, विष्णु और इनके साथ साथ अन्य देवी देवताओं के सामने भी इस दीपक को जलाना बेहद शुभ होता है। इन देवताओं के सामने आप गोल बाती के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। भक्तों, सेकंड नंबर पर, हर घर में आपको तुलसी का पौधा देखने को मिलता है, तो तुलसी का जो पौधा होता है उसको हमारे धार्मिक शास्त्रों में लक्ष्मी माँ का स्वरूप भी माना जाता है। बहुत सारे लोग नित्य प्रतिदिन अपने घर में जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के वृक्ष के नीचे देसी घी के दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से इससे घर में धन की स्थिरता बढ़ती है। तो तुलसी का जो पौधा होता है उस पौधे के नीचे कौन सा दीपक जलाना बेहद शुभ होगा, कौन सा दीपक जलाना उचित होगा? भक्तों, गोल बाती का जो दीपक होता है तुलसी के पौधे के पास जलाया जा सकता है। ऐसा करने से घर में स्थिरता बढ़ती है और घर में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का वास होता है। थर्ड नंबर पर, पीपल के वृक्ष के नीचे कैसा दीपक जलाना शुभ होगा, किस प्रकार की बाती लगाना उचित रहेगा? भक्तों, मान्यता है कि गोल बाती के दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर रखने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी बाती के दीपक का प्रयोग करते हैं वो उचित नहीं है। आपको पीपल का जो वृक्ष होता है उसके नीचे गोल बाती के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फोर्थ नंबर पर, लंबी बाती, कहां लंबी बाती का दीपक जलाया जा सकता है, कहां उस दीपक को लगाना उचित रहेगा? कहा जाता है कि लंबी बाती का जो दीपक होता है वो माँ लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता सरस्वती के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के सामने भी इसको लगाना शुभ होता है। कुल देवता और आंवले के वृक्ष के नीचे भी लंबी बाती का जो दीपक होता है जलाना चाहिए। ऐसा दीपक जलाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। भक्तों, फिफ्थ नंबर पर, लंबी बाती का लाभ, जो लोग लंबी बाती का दीपक जलाते हैं उनके जीवन में क्या लाभ उनको मिलता है? लंबी बाती का जो दीपक होता है ऐसे दीपक को जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, सुख समृद्धि आती है, सुख समृद्धि का वास होता है और साथ ही साथ धन लाभ भी
आपके लिए हो सकता है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।